हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ था। डोंट कॉन्फ्रेंट द प्रॉब्लम एट फर्स्ट बिकॉज सक्सेसफुल मैथमेटिक्स आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? How many individuals have been approved by President Ramnath Kovind to confer the Jeevan Raksha Medal Series Award 2020? Option A 20, 40, 60, 80. इसका राइट आंसर है 40। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर टीम की किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच फॉर्मर गोलकीपर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 44? ऑप्शन है उदन सिंह, निखिल पुजारी, विनीत राय, प्रशांत डोरा। इसका राइट आंसर है प्रशांत डोरा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया। वे 44 साल के थे। उन्होंने साल 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण किया तथा उन्होंने सेफ कैप और सेफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस एस चीफ ऑफ स्टाफ? ऑप्शन है तारक शाह, तान्या दास, नारायण सुब्रमण्यम, सुचित तलाती। इसका राइट आंसर है तारक शाह। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैज बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ दिस कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है योशिहिको नोदा, योशी हाइड सुगा, सिंजो आबे, युकियो हतो यामा। इसका राइट आंसर है सिंजो आबे। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड
590 मेगावाट सोलर पावर प्लांट? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, चीन। इसका राइट आंसर है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? The Collegium of the Supreme Court has approved the proposal to make Justice P.V. Sanjay Kumar the Chief Justice of which High Court? Option A, Manipur High Court, Haryana High Court, Andhra Pradesh High Court, Uttarakhand High Court. Iska right answer hai Manipur High Court. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिनॉम्ड मराठी नॉवेलिस्ट नामदेव चंद्रभान कांबले हैज बीन अवार्डेड विद विच अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर? ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पद्मश्री पुरस्कार। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इससे पहले साल 1995 में अपने उपन्यास रागवेल के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स हैज लॉन्च विच नेशन माइग्रेशन असिस्टेंस पोर्टल टू streamline the creation of state and national level programs for migrant workers? Option है युद्ध शक्ति, श्रम शक्ति, न्याय शक्ति, शक्ति घोष। इसका राइट आंसर है श्रम शक्ति। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जेल टूरिज्म इनिशिएटिव थ्रू एन ऑनलाइन प्रोग्राम? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया हैज बीन रैंकेड इन जर्मन वॉचेस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? ऑप्शन है सातवें, आठवें, नौवें, दसवें।
इसका राइट आंसर है सातवें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत सातवें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड इंप्लीमेंट टू द स्क्रैप पॉलिसी टू रिमूव व्हीकल ओल्डर देन 15 इयर्स। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2024। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2022। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च उद्यम सारथी ऐप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर यूथ। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। बीएसएफ has launched Operation Chill Hawa on the international borders of which state to prevent infiltration incidents due to dense fog in the region. Option is Sikkim, Gujarat, Uttarakhand, Rajasthan. Iska right answer hai Rajasthan. बीएसएफ ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज किसको अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। वो विल नॉमिनेटेड न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बिडेन फेडरल अपील जज एज द नेक्स्ट यूएस अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन है विलियम पेलहम, मैरिक गार्लैंड, एशक्राफ्ट जॉन डेविड, जेनेट रेनो। इसका राइट आंसर है मैरिक गार्लैंड। नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज मैरिक गार्लैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है, वह किस शहर के इतिहास से संबंधित थे। रिनॉम्ड Historian Narendra Luther has passed away. He was related to the history of which city? Option hai Nai Delhi, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata. Iska right answer hai Hyderabad. Prasidh itihas
कार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है। वह हैदराबाद के इतिहास से संबंधित थे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।